सर धर्मेश ने विक्रम को हवेली भेजा था और जिस वजह से उसकी मौत हो गई, इससे साफ जाहिर होता है कि प्रोफेसर धर्मेश हमसे कुछ छुपा रहे हैं। पर सर विक्रम की मौत भी उस दवा से हुई है जिस पर प्रोफेसर धर्मेश रिसर्च कर रहे थे। आई एम श्योर सर इस साजिश में उनके साथ कोई और भी शामिल है। आदित्य मैं मानता हूं कि प्रोफेसर का इस मौत से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, लेकिन अभी वो कल्प्रिट नहीं है क्योंकि पूरा सच सामने नहीं आया। प्रोफेसर धर्मेश, क्या आप जान सकते हैं कि आपने हमसे बात क्यों छुपाई कि आप विक्रम को जानते हैं? विक्रम की मौत के बारे में क्या जानते हैं? मुझे कुछ नहीं पता, कितनी बार कहूं? आप सब कुछ जानते हैं लेकिन हमसे छुपा रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मामला आपकी वाइफ के खून से जुड़ा है। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता है, अब जाओ यहां। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपसे जो सवाल किए जा रहे हैं सीधे सीधे उनका जवाब दीजिए। आप विक्रम से मिले थे या नहीं? मैंने कहा ना मैं किसी विक्रम से नहीं मिला। अच्छा, शायद आप भूल रहे हैं कि आपके सेल के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं जिसकी रिकॉर्डिंग हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम देख चुके हैं कि विक्रम आपसे मिलने के लिए आया था। इतना ही नहीं, आपने उसे हवेली का नक्शा भी दिया था, उसी हवेली का जहां पहुंचकर उसकी मौत हो गई। और जानते हैं कैसे? उसी दवा से जिसकी रिसर्च आप कर रहे थे। और इससे साफ जाहिर होता है कि विक्रम की मौत के जिम्मेदार आप हैं। अब जो पूछना है मेरे वकील से जाके पूछो। देखिए प्रोफेसर धर्मेश, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खून आपने किया है, मैं आपको कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं आपसे सिर्फ सच जानना चाहता हूं। मैं आपका दुश्मन नहीं, दोस्त हूं आपका, आपकी मदद करना चाहता हूं बस। कोई फायदा नहीं, मदद मांगने में गया था 10 साल पहले पुलिस के पास, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, बल्कि लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, हंसते रहे मुझ पे। अब अपनी मदद मैं खुद करूंगा, खुद। जाओ तुम लोग यार। सर ये प्रोफेसर धर्मेश विक्रम को क्यों मारना चाहेगा? और विक्रम का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। हो सकता है कि विक्रम उनका कोई पुराना स्टूडेंट हो। धर्मेश को कुछ तो चाहिए इस हवेली से, इसीलिए वो विक्रम को यूज कर रहा। समझ में नहीं आ रहा है कि इस हवेली में ऐसा कौन सा राज छुपा है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये हवेली, बच्चियों का खून और विक्रम की मौत, ये सब आपस में जुड़े हैं। लेकिन कैसे? जिस तरीके से इन लड़कियों को मारा गया है और जिस तरीके से विक्रम को मारा गया है, दोनों अलग। ये तो जाहिर है कि लड़कियों की बलि दी गई और विक्रम की मौत भी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं हुई, लेकिन क्या ये दोनों खून कनेक्टेड हैं? क्या इन दोनों को एक ही इंसान ने अंजाम दिया? ये भी तो हो सकता है कि प्रोफेसर की वाइफ का खून इन्हीं चीजों से जुड़ा। सो, धर्मेश के से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है सब इसमें है। हमारा शक बिल्कुल सही निकला। इसके हिसाब से दीपक धर्मेश का स्टूडेंट था, धर्मेश की वाइफ से उसका अफेयर चल रहा। सर ये सीडी भी ले करो। प्रोफेसर साहब तो बड़े बिजी रहते हैं, आप तो बहुत बोर होते होंगे। हाँ धर्मेश का कुछ काम ही ऐसा है भाई, वो काम छोड़कर मेरे साथ तो रह नहीं सकते, इसीलिए मैं अपने आप को काफी बिजी रखती हूँ। गुड इवनिंग। ओह गुड इवनिंग। आपका देखकर लाइफ की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। वैसे थैंक्स मुझे गिटार सिखाने के लिए। थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए जो आप जैसी खूबसूरत लेडी को म्यूजिक सिखाने का मौका दे रही हैं। प्रोफेसर धर्मेश ने जानबूझ के वीडियो रिकॉर्ड किया था ताकि वो अपनी वाइफ को ऐसी फुटेज दिखा सके और उससे सच उगलवा सके। इसमें भी साफ लिखा है कि प्रोफेसर धर्मेश को एंगर प्रॉब्लम थी, उन्हें अपने गुस्से पे काबू नहीं था और इस शक के चलते उन्होंने अपनी बीवी को मार दिया। इन डॉक्यूमेंट्स में भी साफ साफ लिखा है
कि प्रोफेसर को अपने किए हुए पछतावा था। सर, इस दीपक को ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है उसे इन मर्डर्स के बारे में कुछ पता हो। दीपक साइकियाट्रिक वार्ड में। सर, चलो। सर। हेलो, बोलिए डॉक्टर। सर, शिखा को होश आ गया लेकिन दवा नहीं खा रही है। दवा नहीं खा रही? नहीं सर, आप आ जाते तो, अगर आप बिजी हैं तो। नहीं, मैं आता। ठीक है, आप जल्दी आ जाइए सर। जी। बताऊंगा क्या कहा डॉक्टर ने। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। ठीक है, तुम शिख आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा, दीपक का मानसिक संतुलन अभी कुछ ठीक नहीं है। वो किस चीज पर किस तरह रिएक्ट करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। सो प्लीज केयरफुली। बी केयरफुल। दीपक, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, देखोगे? तुम्हें माउथ ऑर्गन बजाना पसंद है ना? लो। अरे वाह दीपक, मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही सुना था। तुम तो वाकई बहुत टैलेंटेड हो, कितना अच्छा माउथ ऑर्गन बजाते हो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम गिटार भी इतना ही अच्छा बजाते हो। नहीं नहीं, गिटार अच्छा नहीं, गंदा है किताब। अच्छा, नहीं। सर, हो सकता है उस रात इसने झूठ बोला प्रोफेसर धर्मेश की वाइफ को इंप्रेस करने के लिए। दीपक, मुझे तुमसे कुछ जानना था। तुम प्रोफेसर धर्मेश को तो जानते हो? हमने सुना है कि तुम्हारा उनके वाइफ के साथ अफेयर था, और उनकी वाइफ को तुम अक्सर गिटार सिखाने जाया करते थे, क्या ये सच है? दीपक, दीपक, कूल डाउन, चलो अपने रूम में चलते हैं, चलो। मीरा, ये दीपक ने मीरा का नाम लिखा होगा। क्यों लिखा होगा दीपक ने मीरा का नाम? ये मीरा हो कौन सकती है? सर, याद आया, ये नाम मैंने प्रोफेसर धर्मेश की फाइल में पढ़ा है। सर, ये मीरा तो प्रोफेसर धर्मेश की बेटी का नाम है, जिसकी कुछ सालों पहले मौत हो चुकी है, और कैसे हुई किसी को कुछ भी नहीं पता। प्रोफेसर धर्मेश की बेटी, लेकिन दीपक ने उसका नाम क्यों लिखा? सर, ये देखिए मीरा की फोटो। हो सकता है कि मीरा की मौत भी इसी केस से जुड़ी हो।
उसकी मौत कब हुई थी चेक करो। समीरा की मौत प्रोफेसर धर्मेश की बीवी की मौत के कुछ दिनों के बाद हुई थी और लाश अभी तक नहीं मिली है सर। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता आदित्य, हमें प्रोफेसर धर्मेश से बात करनी होगी। फोन लगाओ। राइट सर। बेल जा रही है सर। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अभिज्ञान बोल रहा हूँ, प्रोफेसर धर्मेश से बात करवाओ। क्या प्रोफेसर जेल से भाग गया? होना हो वो दीपक के पास ही गया होगा। याद आदित्य, उसने कहा भी था। अब अपनी मदद मैं खुद करूंगा, खुद। और दीपक की सिक्योरिटी टाइट कर दो, दीपक को बचाना बहुत जरूरी है। हमें प्रोफेसर धर्मेश को वहां पहुंचने से रोकना ही होगा। एक मिनट सिस्टर। शिखा, ये क्या कर रही हो तुम? दवा नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? नहीं ठीक होगी गौतम, मैं नहीं ठीक हो सकती। मैं क्यों नहीं हो सकती? क्या हो गौतम? मेरे क्या हुआ तुम्हारे हाथों पैरों? पैरालिसिस। मेरे हाथ, मेरे पैर अब नहीं चलते। पैरालिस हो चुकी। मुझे नहीं जीना गौतम, नहीं जीना मुझे। मुझे अपनी पूरी जिंदगी इस बेड पर नहीं गुजारनी। दूसरों पे बोझ नहीं बन सकती मैं। कुछ करो गौतम, कुछ करो, कुछ करो। जहर ले आओ मेरे लिए, मार दो मुझे। मैं जीना नहीं चाहती, मार दो, मार दो। नहीं शिखा, शिखा तुम इतनी मुश्किल से वापस आई हो और तुम फिर, अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शिखा कितनी तकलीफ, कितना सहा है हम दोनों ने। तुमने कभी मेरी हिम्मत नहीं टूटने दी। शिखा तुम भी हिम्मत मत हारना। शिखा पता है हम इंसानों की सबसे बड़ी ताकत हमारी विल पावर होती है। तुम उसी की वजह से यहां, और तुम उसी की वजह से बिल्कुल ठीक हो जाती। सच सच शिखा, शिखा मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर इस दौर से भी गुजर लेंगे। आई प्रॉमिस। सिक्योरिटी में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हर आने जाने वाले पर नजर रखो। हॉस्पिटल के स्टाफ से कहकर यहाँ के सारे रास्ते सील करवा दो। बिना परमिशन के ना कोई अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। ओके सर। सर मैंने कंट्रोल रूम को बोलकर डॉक्टर धर्मेश की तलाश शुरू करवा दी है। गुड। विकास बोलो। सर हवेली में एक और लाश मिली है। What? विक्टिम कौन है? पता नहीं सर। तुम लोग यही थे ना? लाश अंदर गई कैसे? सो रहे थे क्या तुम लोग? नहीं सर, हम लोग हर वक्त यहीं पर थे। सर एक आदमी दौड़ते हुए हवेली के अंदर घुसा, हमने उसका पीछा किया, उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हवेली के अंदर अंधेरा बहुत था और फिर यहाँ उसकी बॉडी मिली। प्रोफेसर धर्मेश, ये तो प्रोफेसर धर्मेश है।